नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बैड डेटर्स के रिकवरी की एंट्री आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। कुछ पार्टीज होती हैं जब आप बिजनेस रन करते हैं, सेल करते हैं एंड आपके कुछ सन्ड्री डेटर्स होते हैं जिनको आप सेल करते हैं, वो पार्टीज कुछ पेमेंट आपको नहीं करती हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है, सपोज कीजिए अगर उनका बिजनेस रन नहीं किया प्रॉपरली, वो बैंक करप्ट हो गए तो इस वजह से वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से कुछ भी रीज़न हो सकता है। हो सकता है बाद में आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, पार्टी से बात हो जाए एंड बाद में पार्टी आपको पेमेंट कर दे, तो उसके लिए हमें बैड डेटर्स के रिकवरी की एंट्री कैसे पास करनी है टैली प्राइम में वो मैं आपको बताने वाली हूँ। दो वे से मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पहले वे से एंड सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अनादर वे से बैड डेटर्स के रिकवरी की एंट्री पास कर सकते हैं टैली प्राइम में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी कोई वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब मैं यहाँ से आपको बताऊँगी कि बैड डेटर्स के रिकवर्ड की एंट्री आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। तो सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली से बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम चलेंगे एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे मैं आपको शो करती हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बैड डेटर्स के अंडर में 3000 अमाउंट आपको डेबिट साइड में शो हो रहा है। इट मीन्स ये जो बैड डेटर्स हैं जिनसे हमें उम्मीद नहीं थी कि पेमेंट मिलने वाला है, बट कई बार क्या होता है कि पेमेंट पार्टी से हमें मिल जाता है, तो उसके लिए हमें कैसे एंट्री पास करनी है गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लीजिए एंड रिसिप्ट वाला वाउचर आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो बैड डेटर्स से आप अमाउंट रिसीव करने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको क्रेडिट क्या करना है, बैड डेटर अकाउंट रिकवर्ड का आपको लेजर क्रिएट करना है यहीं से एल्ट सी प्रेस करके अंडर इनडायरेक्ट इनकम के। इससे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था बैड डेटर का लेजर आपको क्रिएट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के और बैड डेटर अकाउंट रिकवर्ड का लेजर आपको क्रिएट करना है इनडायरेक्ट इनकम के, क्योंकि आपकी इनडायरेक्टली इनकम होगी अगर आप पार्टी से रिसीव कर रहे हैं। तो इस टाइप से सेकेंड वे से मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे बैड डेटर का आपको रिकवर की एंट्री करनी है। जो भी अमाउंट आप रिसीव करेंगे वो क्रेडिट कर लीजिए, आप अपने बैंक में रिसीव कर रहे हैं तो बैंक को डेबिट कर लीजिए। अब यहाँ पे नरेशन में आपको मार्क कर देना है कि जो बैड डेटर आपने अमाउंट रिसीव किया है किस पार्टी से रिसीव किया है, तो उस पार्टी का नाम यहाँ पे मेंशन कर दीजिए सो दैट आप इन फ्यूचर में जब भी देखें तो आपको पता चल जाए कि आपने किस पार्टी से ये अमाउंट रिसीव किया है। अगर आप कैश में रिसीव करते हैं बैड डेटर्स से तो आपको उसकी एंट्री कैसे करनी है, अगेन आपको रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट कर लेना है एंड यहीं से आपको F2 प्रेस करके डेट को चेंज कर लेना है जिस भी डेट में आप अमाउंट रिसीव कर रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्रेडिट क्या करना है, बैड डेटर अकाउंट रिकवर्ड, यहाँ पे जो भी अमाउंट आप रिसीव करते हैं वो अमाउंट क्रेडिट कर दीजिए। तो 1000 हम रिसीव कर रहे हैं, कैश में रिसीव कर रहे हैं इसलिए कैश को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि बैड डेटर अमाउंट रिसीव फ्रॉम किस पार्टी से आप रिसीव कर रहे हैं, उसका नाम मेंशन कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे देखा कि बैंक में एंड कैश में अगर आप बैड डेटर से अपना पेमेंट रिसीव करते हैं तो कैसे आपको एंट्री पास करनी है। अब चलिए गो टू में चलते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट में चलेंगे एंड बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन कर लीजिए एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के यहाँ पे आप शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस कीजिए एंड इनडायरेक्ट इनकम के यहाँ पे शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस कीजिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बैड डेटर के अंडर में आपको 3000 शो हो रहा है। इससे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था इसीलिए ये अमाउंट आपको यहाँ पे शो हो रही है, इससे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया तो ये इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में आप देख सकते हैं 3000 शो हो रहा है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी 3000 एंड इनडायरेक्ट इनकम में भी आप देख सकते हैं 3000, यानी कि दोनों साइड शो हो रहा है। डेबिट क्रेडिट ये अकाउंट नील हो चुका है
क्योंकि ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी शो हो रहा है एंड इनडायरेक्ट इनकम में भी शो हो रहा है। इट मीन्स डेबिट क्रेडिट हो चुका है तो ये नील हो चुका है। अब यहाँ पे जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो काफ़ी सारी एंट्रीज आपको शो होती हैं, तो आप चाहते हैं कि ये जो अननेसेसरी एंट्री है वो आपको शो ना हो, तो इस एंट्री को जैसे कि ये अब डेबिट क्रेडिट हो चुका है तो ऑलरेडी नील हो चुका है बट फिर भी यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप चाहते हैं कि ये एंट्री यहाँ पे शो ना हो, तो इसके लिए हमें एक एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी होगी। तो इसके लिए एडजस्टमेंट की एंट्री हमें कैसे पास करनी है, चलिए वो मैं आपको शो कर देती हूँ। तो इसको जैसे कि अब जब भी बैलेंस शीट ओपन करें एंड ये एंट्री आपको शो ना हो, तो उसके लिए चलिए गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं एंड कैसे इसके एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करना है, जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेना है, F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर लीजिए जिस भी डेट में आप एडजस्टमेंट की एंट्री को पास कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको डेबिट क्या करना है, अब हम यहाँ पे डेबिट करेंगे बैड डेटर अकाउंट रिकवर्ड। ये देखिए करेंट बैलेंस में आप देख सकते हैं 3000 क्रेडिट में शो हो रहा है, तो इस एंट्री को ख़त्म करने के लिए हमें डेबिट करना होगा एंड उसके बाद बैड डेटर्स को आपको क्रेडिट करना होगा। तो बैड डेटर्स आप देखेंगे 3000 हमने क्रेडिट कर लिया है, तो इस टाइप से हमने एंट्री को इन्वर्स करके यहाँ पे एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर ली है। अब चलिए अगेन हम चलते हैं गो टू में एंड बैलेंस शीट में चल के देख लेते हैं जो हमने एंट्री पास की है इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन कर लीजिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस कर लीजिए, इनडायरेक्ट इनकम पे शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस कर लीजिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बैड डेटर अकाउंट रिकवरी में पहले 3000 शो हो रहा था एंड बैड डेटर में पहले 3000 शो हो रहा था, अब यहाँ पे कोई भी अमाउंट शो नहीं हो रही है, यानी कि जो हमने एडजस्टमेंट की एंट्री पास की थी वो सक्सेसफुली पास हो चुकी है। स्टेप से आप भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उन सारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं, मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं, प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े हर टॉपिक को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।